नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आपको 28 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। साथ साथ में इन हर एक क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। इस तरह से आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके भी आपका काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल में जाइए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। एग्जाम तक हिंदी यूआरएल है, एग्जाम तक नाम से चैनल है, जाइए और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ एंड इसकी क्विज भी मिल जाएगी, ठीक है ना। एंड इसके अलावा इस वीडियो का लास्ट में मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय विवाद समाधान केंद्र हाल ही में जिसका उद्घाटन किया है, तो उद्घाटन किसने किया है, हाल ही में इसका उद्घाटन किया है भारतीय विवाद समाधान केंद्र का जस्टिस ए के सीकरी ने, ठीक है। जस्टिस ए के सीकरी भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा ऑप्शन में जस्टिस एस ए बोबड़े हैं, जो कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। अभी इसको जो उद्घाटन किया है भारतीय विवाद समाधान केंद्र का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ओके। तो ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है, सब कुछ आपको याद हो जाएगा इन वीडियोज के माध्यम से। इस वीडियो अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि यस इस तरह के वीडियो सीरीज और भी जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए, ओके। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने किस देश में इंडिया नाम से मिलिट्री वॉर गेम सेंटर विकसित किया, ठीक है ना। तो भारत ने किस देश में मिलिट्री वॉर गेम सेंटर विकसित किया है, ये क्या, युगांडा देश में, ओके। तो आपको बता दूं युगांडा देश के बारे में, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश, इसकी राजधानी है कंपाला, इसकी मुद्रा है शिलिंग एंड इसके राष्ट्रपति है यावेरी मुसेविनी, ओके। तो ये युगांडा देश के बारे में कुछ थोड़ी सी इंपोर्टेंट जानकारी थी, जो कि काफी इंपोर्टेंट होती है हर एक देश के बारे में एंड हर एक स्टेट के बारे में। इस तरह से जानकारी मैं आपको बताता रहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा राज्य स्थानिक लुप्त होती वनस्पति के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कि स्थानिक और लुप्त होती वनस्पति के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी किया है, तो वो राज्य बन गया है उत्तराखंड, फर्स्ट स्टेट बन गया, ओके। तो अब उत्तराखंड के बारे में आपको कुछ इंपोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ इस सवाल के अलावा। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 9 नवंबर 2000 को हुई थी, उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ था ये 9 नवंबर 2000 को, ओके। एंड मुख्यमंत्री अभी कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। और इसकी राजधानी कौन सी है, राजधानी है देहरादून, लेकिन अभी यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी एक बनी है नई, जिसकी नाम है गैरसैंण, ओके। तो गैरसैंण भी इसकी नई ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। चौथा क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपस्थिति एप्लीकेशन आईना विकसित किया, ठीक है ना। तो अभी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, जिसका नाम है आईना, AINA, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर अटेंडेंस लगाती है, ठीक है ना। तो ये किए हैं डीआरडीओ ने, ओके। डीआरडीओ के बारे में आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1958 में, ओके। तो ये आपको याद रखना है, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना की अधिकारी डैश को संयुक्त राष्ट्र से जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के रूप में सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है ना। तो किसको सम्मानित किया जाएगा, अभी उसकी अनाउंस हो गया है, ठीक है ना। तो उसको अनाउंस किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा मेजर सुमन गावनी को, ओके। ये उनकी फोटो आप लोग देख सकते हैं, भारतीय सेना के अधिकारी है मेजर सुमन गावनी, जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, ओके। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने सामान्य ज्ञान की ई बुक नहीं खरीदी, जिसमें विविध सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास, राजनीति विज्ञान, खेल, कंप्यूटर आदि के बारे में शॉर्ट नोट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है स्टैटिक्स जीके के, अगर ये पीडीएफ आपने नहीं खरीदी है तो जल्दी से आप लोग खरीद लीजिए। पूरी जानकारी के लिए नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप लोग जान सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। भारत और डैश ने कोविड-19 के निदान हेतु संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की, तो भारत और किस देश ने कोविड-19 के निदान हेतु संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है, तो ये देश है इजराइल, ओके। भारत और इजराइल ने चर्चा की है। अब इजराइल के बारे में आपको कुछ इंपोर्टेंट बात बता देता हूँ, इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, रूवेल रेवलिन है।
इजराइल के राष्ट्रपति, अभी इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इजराइल मुद्रा है इजराइली न्यू शेकेल। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इजराइली न्यू शेकेल, ये इजराइल के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी थी। सातवां क्वेश्चन है, अमेरिका के जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा कर दी, वह किस खेल से जुड़ी हुई थी? ठीक है ना, तो अमेरिका की जेमी हैम्पटन टेनिस खेल से जुड़ी हुई थी, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ओके, आठवां क्वेश्चन है, किस कंपनी ने मोहित गुप्ता को अपना सह संस्थापक बनाया? ठीक है ना, को फाउंडर बनाया है मोहित गुप्ता को, किसने बनाया है? तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन जो है जोमेटो, उसने उस कंपनी ने बनाया है मोहित गुप्ता को अपना सह संस्थापक। ओके, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो भी बने थे कल और परसों के आधारित पर। और एक बात और था, हम जोमेटो की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, तो ये बात आपको बता दूं। अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं, वीडियो को या लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। अब बताता हूँ कल के प्रश्न का जवाब, जो कल मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि भारत के खेल मंत्री कौन है, ये सवाल क्यों पूछा था? क्योंकि अभी किस राज्य ने खेल को औद्योगिक दर्जा दिया है? तो वो दिया है मिजो राज्य ने। तो उसी से रिलेटेड मैंने आपसे पूछा था कि भारत के खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। ओके, आज का क्वेश्चन कौन सा है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ का क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि डीआरडीओ ने आईना नामक एप्लीकेशन विकसित किया है। ओके, जो कि ऊपर अभी आया था, हमने बात की थी, तो अभी आपको बताना है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जिसका आंसर सभी लोगों को करना है। ऑडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए।